हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल किचन सलामत। आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी चीज़ केक्स विदाउट अवन, जो कि आप इंस्टेंटली खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे अभी देख लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 180 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़, हाफ कप ऑफ शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, 2 टू 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, 2 टू 3 बिस्किट्स। मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स थे, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है ग्लूकोज बिस्किट्स, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 1 बोल, जिसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, मेल्टेड बटर। मैं यहाँ पे बिस्किट को ऑलरेडी क्रश करके रखा था, क्रूशली क्रश करके रखा था। आप चाहे तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी बिस्किट, क्रश बिस्किट्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस बटर डालने से हमारी बाइंडिंग थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। तो इसको हमें चीज़ केक में, मिनी चीज़ केक में एक नीचे की लेयर देनी है। तो यहाँ पे ये मिक्सर रेडी है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी कप केसेस। यहाँ पे मेरे पास कप केक का ट्रे नहीं था, तो मैं एक केसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे मैं ये केसेस में अब डालूँगी जो मैंने रेडी किया था अभी बिस्किट का मिक्सचर, वो ऐड कर लूँगी सारे कप के केसेस में। इस तरह से मैं ऐड कर लूँगी। हमें एक अच्छी सी फिनिश लेयर देनी है कपकेक्स में इसकी। ये देखिए इस तरह से। स्पून की हेल्प से आप एक अच्छी सी लेयर दे दीजिए। इस तरह से एक फिनिश लेयर मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मेरे 4 कपकेक्स ये बिस्किट के मिक्सचर के साथ लेयर देने के बाद रेडी है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आगे जो मेरे पास क्रीम चीज़ है उसे व्हिप कर लूँगी और फेस के ऊपर उसका एक लेयर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम चीज़। फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ कप ऑफ शुगर। आप शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, यानी कि आपको जितना अगर मीठा पसंद है बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा डालें, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम डालें शुगर। इसमें डालूँगी वनीला एसेंस। अब मैं थोड़ा इसको क्रीम और क्रीमी होने तक और मिक्स होने तक व्हिप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी कप केस, जो मेरे पास मैं ऑलरेडी डाल के बिस्किट का लेयर देकर रखा था, मैं उसे ले लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी क्रीम, ये चीज़ क्रीम। इसमें ऐड कर कर एक लेयर दे दूँगी। अब मैं इसे सेट कर लूँगी। मैं फिर से और दूसरा वाला ले लूँगी, फिर वैसे ही इसमें क्रीम ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊँगी। ये मैं क्रीम चीज़ डालकर इसे अच्छे से एक फिनिश लेयर दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप स्पून का इस्तेमाल करिए, स्पून के हेल्प से आप इसे अच्छे से लेयर दे देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फिनिश लेयर आ जाएगी। आपके पास अगर कोई भी कप है तो आप कप केसेस इसके अंदर रख कर डालकर भी दे सकती हैं, सो दैट फिनिशिंग अच्छी आ जाए इसकी। और जब हम फ्रीज करके इसको बाहर निकालेंगे तो वो कप केसेस के साथ अच्छे से बाहर निकल जाएंगे और आपके लिए खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो
तो ये देखिए ऐसे फिनिश लेयर देना है हमें। इस तरह से अब मैं यहाँ पे आपको रेमिंगटन डिश या फिर कोई भी कप में आप कैसा बना सकते हैं वो दिखाऊंगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास बिस्किट का मिक्सचर है, मैं वो ऐड करूँगी पहले। ये देखिए इस तरह से बिस्किट का लेयर ऐड करूँगी। आपको जितनी बिस्किट की लेयर है आप कम या ज़्यादा कर लें। मैं यहाँ पे 2-3 स्पून्स डाल रही हूँ, टेबल स्पून, और बिस्किट मिक्सचर। ये देखिए इस तरह आप स्पून की हेल्प से आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एक फिनिश लेयर दे दीजिए इसको। फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी क्रीम चीज़, 1-2 टेबल स्पून फुल क्रीम चीज़ इसमें आ जाएगी, बस उतना ही बहुत है इसमें। अब इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए स्पून की हेल्प से, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। बहुत सारे लोग एग्स का इस्तेमाल नहीं करते तो ये परफेक्ट है उनके लिए, मिनी चीज़ केक्स। ये देखिए इस तरह से आप सेट कर लीजिए स्पून की हेल्प से। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी, रेफ्रिजरेट कर दूँगी, यानी कि फ्रीज़र में रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये रेडी हो जाएगी खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट्स तक रेस्ट होकर रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिश आउट कर लें, मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप कुछ भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके डिश आउट कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।